अ फॉर्मल मॉडल ऑफ कन्जम्पन एंड सेविंग द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इनकम एंड वेल्थ ऑन कन्जम्पन एंड सेविंग डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि जब इनकम या वेल्थ में चेंज आएगी तो ये किस तरह से कन्जम्पन और सेविंग को अफेक्ट करेगा इनकम में चेंजेस दो तरह की हो सकती हैं करेंट इनकम में चेंज आ सकती है या फ्यूचर इनकम में चेंज आ सकती है और इसी तरह वेल्थ में चेंज ये तीनों चेंजेस जो हैं ये कंजम्पशन और सेविंग को अफेक्ट करेंगी थ्रू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम रिसोर्स ये तीनों चेंजेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ लाइफ टाइम रिसोर्स को अफेक्ट करेंगी फॉर एग्जांपल अगर करंट इनकम बढ़ जाती है या फ्यूचर इनकम बढ़ जाती है या वेल्थ में इजाफा हो जाता है तो इन तीनों के नतीजे में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम रिसोर्स इनक्रीज़ हो जाएंगे और ये प्रेजेंट वैल्यू हम पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम रिसोर्स को हमने इक्वेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम कंजम्पशन के सो so जब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम रिसोर्स बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन भी उसकी चेंज हो जाएगी और अकॉर्डिंगली सेविंग भी चेंज हो जाएगी सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर करंट इनकम में इजाफ़ा होता है तो वो किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा करंट इनकम में इजाफा होने से सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ लाइफ टाइम रिसोर्स इंक्रीज हो जाएंगे और बजट लाइन आपकी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और वाइस वर्सा अगर करंट इनकम कम हो जाती है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ लाइफ टाइम रिसोर्स इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और कंजम्पशन स्मूथिंग हम इस पर भी बात करते रहते हैं के इंडिविजुअल जो हैं वो अपनी एक एक स्मूथ लाइफ स्टाइल करना चाहता है उसकी इनकम में फ्लक्चुएशनस आती रहती हैं लेकिन वो चाहता है कि उसकी कंजम्पशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए तो हम देखेंगे कि इस मोटिव्स की वजह से जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम रिसोर्सेज चेंज होते हैं तो उसकी कंजम्पशन किस तरह से इफ़ेक्ट होती है सो so, उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी और उसकी सेविंग भी बढ़ जाएगी इस बात को हम डायग्राम की मदद से हम इसे समझते हैं इस डायग्राम में ब्लैक वाली बजट लाइन उसकी इनिशियल बजट लाइन है अगर आप पुरानी वैल्यूज रिकॉल करें सो नाइन्टी उसके पास प्रेजेंट वैल्यू है उसके लाइफ टाइम रिसोर्सेज़ की ठीक है और डी उसका एक पॉइंट है क्योंकि इनडिफ्रेंस करो बजट लाइन पर यहाँ पर टेंजेंट बन रहा है डी के मुताबिक वो क्या है फोर्टी फाइव करंट पीरियड में कंज्यूम कर रहा है और 49,500 नाइन एंड फाइव हंड्रेड वो फ्यूचर पीरियड में कंजम्पशन कर रहा है अब उसकी करंट इनकम इंक्रीज़ कर जाएगी तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम रिसोर्स इनक्रीज़ कर जाएंगे तो बजट लाइन उसकी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी रेड वाली बजट लाइन पर वो आ जाएगा वैल्यूज़ क्या बता रही हैं नाइन्टी थाउजेंड की बजाय अब उसके पास करंट कन्जम्पशन एट द मोस्ट वो कितनी कर सकता है वन हंड्रेड एंड टू थाउजेंड्स वो करंट कन्जम्पन इसका मतलब ये हुआ कि उसकी करंट इनकम में हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसकी करंट इनकम में ट्वेल्व थाउजेंड का इनक्रीज आ रही है राइट right? तो उसी तरह से उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम रिसोर्स इतनी बढ़ गई ये जो बजट लाइन का शिफ्ट है रेड वाली जो बजट लाइन आपको बी नज़र आ रही ठीक है ये शिफ्ट पैरल शिफ्ट है पैरल शिफ्ट से मुराद ये है कि दोनों उसकी जो इनिशियल बजट लाइन थी बी एल वन और ये न्यू वाली बी एल टू दोनों पैरल हैं दोनों के स्लोप सेम है स्लोप क्यों सेम है हम बात कर चुके हैं कि इसका स्लोप डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पर और चूँकि हम इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसकी करंट इनकम में इजाफ़ा हुआ है बाकी चीज़ों में कोई तब्दीली नहीं आई तो सिंस इंटरेस्ट रेट इज कांस्टेंट, सो द स्लोप इज कांस्टेंट और जस्ट ये आउटवर्ड शिफ्ट होगी ओके अब हम देखते हैं कि इनिशियली इंडिविजुअल जो था वो डी पॉइंट पर था सो so, अब इस इजाफे के बाद अगर वो इस सारे इजाफे को फ्यूचर कंजम्पशन में यूज करना चाहता है तो वो डी से एच पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा ठीक है एच पॉइंट आप देखेंगे एच पॉइंट पर करंट कंजम्पशन वही वाली है जो डी पर थी लेकिन फ्यूचर कंजम्पशन 49,500 से इंक्रीज़ होकर 62,700 उसमें उसमें सारे का सारा इजाफा वो फ्यूचर कंजम्पशन में इंक्रीज़ के लिए यूज़ कर रहा है और अगर वो डी से के पर मूव कर रहे तो इसमें क्या कर रहा है वो सारे का सारा इजाफ़ा जो है वो करंट कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर रहा है और फ्यूचर कंजम्पशन इसमें कॉन्स्टेंट है ये ये दोनों हम सिनेरियो समझ रहे हैं लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करता जब उसकी इनकम में या लाइफ टाइम रिसोर्स में इजाफ़ा होता है तो वो उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है वो करंट कंजम्पशन में भी इजाफा करेगा और फ्यूचर कंजम्पशन में भी इजाफा करेगा तो अगर आप जे पॉइंट को देखें तो जे पॉइंट और उसको डी से कंपेयर करें तो डी के मुकाबले में जे पर दोनों करंट एज़ वेल एज़ फ्यूचर कंजम्पशन दोनों में इजाफा हो गया ठीक है और जे को अगर आप के और एच से कंपेयर करेंगे तो उसके में आप देखेंगे कि वहाँ पर रेलेटिवली उसमें जो दोनों इजाफा है वो स्मूथ जो स्मूथिंग प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हुए दोनों में इवनली इजाफ़ा हो रहा है और ग्राफिकली भी अगर आप इसको देखना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि नई बजट लाइन जो रेड वाली है उस पर नया इंडिफरेंस कर एक हायर इंडिफरेंस कर उसका टेंजेंट बन रहा है टेंजेंसी पॉइंट जे पर है तो ये उसका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं अब हम बाकी दो केसेस देख लेते हैं अभी हमने बात की थी कि उसकी करंट इनकम में इजाफा हुआ है अगर उसकी फ्यूचर इनकम में इजाफा होता है या उसकी वेल्थ में इजाफा होता है तो दोनों का इम्पेक्ट सिमिलर होगा ठीक है सिमिलर क्यों होगा क्योंकि दोनों में इजाफे के नतीजे में उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम रिसोर्सेज में इजाफा हो जाएगा और उसकी कंजम्पशन उसके ज़रिए से अफेक्ट होगी लेकिन फ़र्क क्या होगा कामन बात तीनों में कामन बात यह है कि उसकी करंट इनकम बढ़े या उसकी फ्यूचर इनकम बढ़े या उसकी वेल्थ में इजाफा हो तीनों के नतीजे में बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी और वो शिफ्ट पैरेलल होगा राइट right? तीनों में कामन ये बात है शिफ्ट पैराल क्यों होगा क्योंकि हम मतून कर रहे हैं कि आर इन रियल इंटरेस्ट रेट में कोई तब्दीली नहीं आ रही ये तीनों में कामन बात है लेकिन डिफरेंस और दूसरी कामन बात जो हम बात कर चुके हैं कि वो इस तीनों के नतीजे में अपनी करंट कन्जम्पन में भी इजाफा करेगा और अपने फ्यूचर कंजम्पशन में भी इजाफा करेगा स्मूथिंग प्रिंसिपल की वजह से डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि अगर उसकी करंट कंजम्पशन करंट इनकम में इजाफ़ा होता है तो उसके नतीजे में उसकी करंट कंजम्पशन और करंट सेविंग दोनों बढ़ जाती हैं लेकिन अगर फ्यूचर इनकम में इजाफ़ा होता है तो करंट कंजम्पशन तो बढ़ती है लेकिन करंट सेविंग उसकी कम हो जाती है ये क्यों कम हो जाती है इसलिए कि सेविंग को हम डिफ़ाइन इस तरह से कर रहे हैं कि सेविंग इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट इनकम एंड करंट कंजम्पशन तो फ्यूचर इनकम तो बढ़ी है करंट इनकम नहीं बढ़ी लेकिन उसकी चूंकि कंजम्पशन बढ़ गई है इसलिए अब उसकी करंट सेविंग कम हो जाएगी और इसी तरह से वेल्थ के नतीजे में भी यही होगा कि बाकी चीज़ें वो वैसी होंगी कॉमन होंगी कि उसकी करंट और फ्यूचर कंजम्पशन दोनों राइज कर जाएंगी ठीक है लेकिन उसकी सेविंग डिक्लाइन हो जाएगी सेविंग क्यों अगेन वही डेफिनेशन आपको देखना पड़ेगी कि सेविंग की डेफिनेशन क्या है कि उसकी करंट इनकम में से करंट कंजम्पशन माइनस करते हैं वेल्थ इसमें हम कंसिडर नहीं करते सेविंग को कैलकुलेट करने के लिए ठीक है तो करंट इनकम में से जब हम करंट कंजम्पशन माइनस करेंगे क्योंकि करंट इनकम नहीं बढ़ी वेल्थ बढ़ी थी इसलिए उसकी करंट सेविंग कम हो जाएगी तो इस तरह से हम आज हमने देखा कि कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाए करंट या फ्यूचर या उसकी वेल्थ बढ़ जाए तो ये किस तरह से उसकी कंजम्पशन और सेविंग को अफेक्ट करेगी थैंक यू वेरी मच